करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं तो अचार गोश्त सालन पका रहे हैं। आयल ऐड किया, सही आयल डाल दिया है। तो आज जो हम बना रहे हैं अचार गोश्त, ऐसे कैसे क्या बना रही है? अचार बना रहे हैं। अचार बना रहे हैं, तो अचार भी किस चीज़ का अचार? अचार तो वैसे आम का भी अचार होता है। किस चीज़ का अचार बना रहे हैं? अचार गोश्त अचार बना रहे हैं। और क्या बना? अचार गोश्त बना रहे हैं, चिकन अचार गोश्त बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं देखने वालों को हमारा अचार गोश्त पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले ही मौजूद कर दी हैं हमने, काट के अभी ये बताया कि जहाँ क्या क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप एक करके चीज़ें बताएँ क्या क्या है। ये मैंने गोश्त काट लिया है साफ करके। कितना? आधा किलो है। आधा किलो, सही। और ये टमाटर, ये हरी मिर्च, लीमू और ये अचार मसाला। और जो ये जो चीज़ें हमने काट के रखी हैं, इसमें मिर्ची काट के रखी है। कौन सी मिर्ची है? चाक मिर्ची। हरी मिर्ची जो चाक की जाती है ना, वो कैसे की जाती है हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से ऐसी चाक की जाती है। ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या डाल रही है? नींबू। देखिए नींबू कितना, एक नींबू या आधा नींबू? एक पूरा साबित नींबू, एक अदद नींबू डालना है। ये देखें किस चीज़ में डालना है? अचार गोश्त में आपको डालना है। ये देखें इस तरीके से ऐसे निचोड़ के। अभी इसको करना है क्या? मिक्स करना है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं, इसी तरीके से फिर ये हम मिर्ची भरेंगे। ये देखें, ये कौन सी मिर्ची? चाक की भी मिर्च। ये बहुत खाने में ये टेस्ट होता है। तो ये चाक की भी मिर्ची हम जो हमने काटी है ना, और ये किस तरीके से काटी जाती है वो भी जायदा आपको बताएगी कि कैसे काटते हैं। ये देखें, ये कैसे इसको ये छुरी से काट के भी दिखा थोड़ा इनको। सारे काट लिए? नहीं, मैंने दो तीन काटे थे, एक और रह गया था सर। ये छुरी उठाइए। ये देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाह। एक ये सिर्फ एक साइड काटनी है। चार गोश्त जब आप बनाते रहते हैं तो आपकी जो हरी मिर्ची चाक करते हैं, चाक हरी मिर्ची, वो किस तरीके से कैसी काट। उम्मीद करते हैं कि देखने वालों को हमारा यह चार गोश्त पसंद आएगा और वीडियो एंड तक वॉच करते चलेंगे। तो चलो अभी ये देखें, आयल पक गया है। ये चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं, और इस तरीके से ऐसे ही आयल में आपको डालना है गोश्त। और गोश्त को जब तक हम नहीं बोलें तब तक इसी तरीके से इसको आयल में ही बॉयल करना है। ये क्या है राजा, थोड़ा बताएं? ये बिस्मिल्लाह हमारी ये दही। दही, तो अचार गोश्त में तो दही डालेंगे तो अचार खाने में मज़ा आएगा, वो स्वादी बनेगा। तो ये जो 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 चीज़ें काट के रखी हैं हमने, एक एक चीज़ करके हमने देखने वालों को बताया है कि अचार गोश्त इस तरीके से बनाया जाता है। ये देखें, और ये जब तक लाल करना पड़ता है गोश्त को, जब तक इसको हम लाल नहीं करेंगे इतना टेस्ट नहीं होगा, इसको लाल गोश्त हो जाए। देखा, सुना है आपने, जब जायदा ने बोला है कि जब तक गोश्त लाल नहीं हो जाए तब तक कोई चीज़ें नहीं डालनी। ये देखें एक एक करके चीज़ें हमने जो यहाँ पे रखी हुई हैं अभी इसमें डालने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको चीज़ें बताते चलते हैं, आप भी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके डालते हैं। तू बना रही है, ये किसने सिखाया है तेरे को अचार गोश्त बनाना? मुझे झूठ नहीं बोलना। देख, तुमने सिखाया? किसने सिखाया? मैंने सिखाया। देखें ये मैं खुद कुकिंग का, तुम कहाँ से सीखे? अच्छा खासा माहिर बनना। तुम कहाँ से सीखे? मेरे भाई ने सिखाया था अचार गोश्त। अचार गोश्त बनाना, अचार गोश्त किस तरीके से कैसे बनाया जाता है तेरे को तो मैंने सिखाया है। अभी ये जो बना रही है तो ये देखने वालों को हम ये दावा से बात करते हैं, एक हम मैंने चैलेंज के साथ ये बात करते हैं कि इसी तरीके से हम बता रहे हैं ऐसे चीज़ें डालें और ऐसी ये चीज़ें बनाएं। तो क्या ये जो होटलों पे जाके बैठ के खाते हैं भूल जाएंगे? तो हम दावा के साथ हम ये अपनी रेसिपी बता रहे हैं कि इसी तरीके से रेसिपी बनाएं, ये खाएं तो होटलों को भूल जाएंगे। सही बात, हम होटल की रेसिपी आपको बता रहे हैं। चीज़ ये हम डालें जो नमक, ठीक है, नमक इसमें अभी डालेंगे जो ये अच्छी तरह से गल जाए। तो अगर नहीं डाला तो कुछ नहीं, खैर बाद में डाल सकते हैं, पर अभी यहाँ पक जाएगा उस वजह से। अभी हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची, बिस्मिल्लाह। अपने हिसाब से डालना, इसमें ज़्यादा डल जाए तो तीखा हो जाए।
करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह, ये जो टमाटर डाले हैं, टमाटर डाले हैं तो अभी जो टमाटर गल जाए सही, उसके बाद जो चीज़ें होगी वो एक एक चीज़ें करके बताएं और उसको चलाइए। लाल नहीं हुई रहेगा, लाल लाल कब होगी? लाल होगी, लाल होगी बिल्कुल, ऐसी लाल कढ़ाई होगी, अचार लाल कढ़ाई। अभी क्या डाल रहे हो? अभी हम डाल रहे हैं मिर्ची और कौन सी मिर्ची? चाक की, चाक और मसाले, चाक कर देने मसाले वाली, वो अभी डालेंगे इसमें। अभी ये हम अचार मसाला आखिरी में, बाद में टमाटर जब गल जाए तो फिर डालना इसमें। और भी एक चीज़ है, ये बात नहीं है कि नहीं है यार, और भी एक चीज़ है ना जो डालनी पड़ेगी, ये देखिए वो सबके एंड में डालनी पड़ेगी, वो क्या खुशबू आ रही है माशा। ये देखें अचार गोश्त कढ़ाई किस तरीके से बनाई गई, हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके आपको बताई है देखने वालों को, सही है? सही इसी तरीके से ऐसे ही कढ़ाई बनाएं, कमेंट करते हैं कि होटल और याद करेंगे हमारे जाएंगे कि गांव की कैसी चिकन कढ़ाई बनाई जाती है और अचार गोश्त कढ़ाई कैसी बनाई जाती है। ये देखें, ओह क्या मुँह में पानी आ रहा है। एक और चीज़ है इसमें जो डलेगी, वो है एंड में डलेगी, वो याद सिर्फ वो तो एंड की बात है जब पके, अभी तो पक गई है मगर अभी भी 2-3 मिनट इसमें हैं। लोग ढक्कन देते हैं, मैंने ढक्कन नहीं दिया। तो वाह, ये तो बात आपने क्या बात बताई है, ये तो आप बताएं थोड़ा, बोलें इनको कि इसको ढक्कन नहीं देना चाहिए गोश्त को कभी भी। तो वो जो ढक्कन देते हैं तो उससे क्या होता है? खुशबू आती है, तो गोश्त की कच्चे गोश्त की खुशबू आती है, उसको ढक्कन नहीं देना है ऐसे। सबका अलग तरीका है बनाने का, सही, कोई ढक देते हैं कोई नहीं देते हैं ढक्कन, हम तो नहीं देते। बन गई है ये, अभी तो रेडी है। रेडी है तो अभी कौन सी चीज़ है जो एंड में डलती है, वो डाल के आप दिखाएं इनको। ये दही, 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 बिस्मिल्लाह। ये देखिए अभी हमारी अचार गोश्त और दही की रेडी कढ़ाई है। अभी ये कढ़ाई बन गई है, ऐसे अचार गोश्त हमारा बन चुका है इसी तरीके से। और ये कौन सी चीज़ है? धनिया, पूरी मुकम्मल वीडियो के साथ हमारे ऐसे ही बना सकता। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट पर आया जरूर दें।